कहानी की शुरुआत होती है स्पेन की एक जेल में, जहां मैनुअल नाम के एक अकाउंटेंट को 8 साल की सजा मिलने पर लाया गया था। इसके बाद सभी नए कैदियों की सेल में जाने से पहले कपड़े उतार कर तलाशी ली गई। तभी डोमिंगो नाम के एक वार्डन ने उसके कपड़े $250 में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन मैनुअल ने मना कर दिया। तब डोमिंगो ने कहा कि ये कपड़े वैसे भी ज्यादा दिन तक उसके पास रहेंगे नहीं, लेकिन मैनुअल नहीं माना, इसीलिए उसे सोने के लिए गद्दा नहीं दिया गया, क्योंकि गद्दा खरीदने के लिए कैदियों को $250 जमा कराने पड़ते थे। साथ ही उसे पानी की सिर्फ एक बाल्टी मुहैया कराई गई, जो उसे पूरे 3 दिन तक चलानी थी। इस वजह से मैनुअल को शुरुआत में ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बेचारा कई दिनों तक नहा भी नहीं सका। जल्द ही गंदगी की वजह से उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए और उसका शरीर बेहद कमजोर होने लगा। खैर, फिर ब्लैकी नाम का एक कैदी उसे खाना देने आया और उसने मैनुअल को कुछ सिगरेट देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसे तैसे दिन बीतने लगे और मैनुअल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो कभी यहाँ से आजाद भी हो पाएगा। इस मुश्किल समय में मैनुअल खुद को संभाल ना सका और जोर जोर से दीवारें पीटने लगा। जब जेल के हेड वार्डन मोरिनो को इसकी खबर मिली, तो उसने हुक्म देकर मैनुअल की अच्छी खासी धुलाई करवाई। इसके 3 हफ्तों बाद मैनुअल को मेन जेल में भेज दिया गया, जहाँ सिर्फ ब्लैकी ने उसका स्वागत किया। यहाँ मैनुअल को ब्लैकी और पिनो नाम के कैदी के सेल में रहना था। पिनो अपनी ढेर सारी किताबों और नायाब कपड़ों के लिए जाना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैकी से मिलने उसकी पत्नी और बच्चे आते थे, और मैनुअल को भी उम्मीद थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आएगी, लेकिन उसकी बजाय उसकी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया उससे मिलने आई और कहने लगी कि अब दीदी तुमसे मिलना नहीं चाहती, तो कोई खतवत लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। खैर, कुछ ही समय में जेल में मैनुअल के साथ बदसुलूकी होनी शुरू हो गई। एक दिन अरबेला नाम के गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ मैनुअल के कपड़े छीन लिए। अब मैनुअल इस मामले की शिकायत लेकर डोमिंगो के पास पहुंचा, लेकिन डोमिंगो ने कहा कि यहाँ शिकायत करने के भी $300 लगते हैं। खैर, इसके बाद मैनुअल की मुलाकात आंद्रेस नाम के कैदी से हुई, जिसने उसे मुफ्त में कपड़े दिए और डॉक्टर बोनी नाम के कैदी के पास लेकर गया, जिसने मैनुअल का इलाज किया। तब बोनी ने उसे कैदियों के हकों के लिए बनी पार्टी से जुड़ने की सलाह दी, लेकिन मैनुअल ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि उसे और सजा मिलने का डर था। अगले दिन जेल में कुछ लोग अपनी सजा माफ करवाने के लिए धरना देने की बातें कर रहे थे, पर ब्लैकी और पिनो ने उनका मजाक उड़ाकर कहा कि ये हमेशा सपना ही रहेगा। खैर, फिर डॉक्टर बोनी ने मैनुअल के दांत देखने के बहाने उसे कुछ कागजों पर अपने बाएं हाथ से क्रांति के नारे लिखने को कहा, ताकि किसी को उसकी लिखाई पर शक ना हो। आखिरकार मैनुअल मान गया और उसने रातों में छिपकर ये काम पूरा किया, ताकि पूरी जेल में ये पर्चे फैलाकर लोगों को इकट्ठा किया जा सके। दूसरी ओर ब्लैकी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वो अपने बीवी बच्चों को बहुत याद करता है, पर अब भी उसकी सजा पूरी होने में 20 साल बाकी हैं। खैर, जल्द ही सुबह हुई और अचानक गार्ड्स ब्लैकी और 2 दूसरे कैदियों को पकड़ कर ले गए। कुछ देर बाद मोरिनो ने आकर कहा कि पूछताछ के दौरान ब्लैकी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन सब जानते थे कि इन्होंने ब्लैकी को जानबूझकर मार डाला, क्योंकि गार्ड्स को रसोई में जमीन खोदने के सबूत मिले थे और उन्हें शक था कि ब्लैकी बाकी कैदियों के साथ मिलकर भागने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर मैनुअल का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में आकर अपने बनाए हुए पर्चे पूरी जेल में और बाहर भी फेंक दिए, लेकिन जल्द ही गार्ड्स ने उसे पकड़कर बहुत मारा। इसके बाद लूसिया उससे फिर मिलने आई और उसे बताया कि देश का माहौल बदल रहा है। अब पूरे देश में लोग कैदियों के हकों के बारे में बात करने लगे हैं। कुछ ही दिनों में कई ऐसे लोग जेल के दरवाजों के बाहर आकर बैठ गए और उन्होंने एक मुर्गे के पैरों में कैदियों की सजा माफ करो लिखकर जेल में छोड़ दिया। गार्ड्स को मुर्गे के पीछे भागता देखकर कैदियों का मस्त एंटरटेनमेंट हो गया। हालांकि पिनो को पहले लगता था कि सभी कैदी फिजूल में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब उसने भी मैनुअल की तरह आजादी के लिए आवाज उठाने का फैसला कर लिया। उनके साथ जुड़ते ही पिनो ने सबसे पहले उनके ब्लॉक में मौजूद कैंपो नाम के कैदी और उसके साथियों को बाहर निकाला, क्योंकि असल में वो गार्ड्स के मुखबिर थे। इसी तरह समय बीतता रहा और जल्द ही साल 1977 आ गया, जब स्पेन में चुनाव होने वाले थे। तब पिनो, बोनी और मैनुअल मिलकर माबेला नाम के कैदी से मिलने गए, जो कि एक खास कमरे में बंद था। पिनो ने माबेला से बात करके उसे कैदियों के आजादी ग्रुप में शामिल होने को कहा, जिसके बाद वो सब मिलकर जेल में आग लगाकर दंगे भड़काएंगे, जिसके बाद पूरे देश भर में उनकी मांगे सुनी जाएं। लेकिन माबेला ने उनके साथ जुड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपने लिए ये खास सेल बनाया था, जहां उसकी सुख सुविधा की हर एक चीज मौजूद थी। तब पिनो ने उसके सामने एक अंगूठी रखी, जो असल में माबेला के बेटे की थी, और उसे याद दिलाया कि कैसे डोमिंगो ने उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। उसे देखकर माबेला की बदले की आग एक बार फिर से जल गई और उसने पिनो से हाथ मिलाने का फैसला किया।
आखिरकार पिनो और मैनुअल अपने कमरे में लौट आए, लेकिन उनके पीछे से गार्ड्स ने पूरे कमरे को तहस नहस करके पिनो की सारी किताबें एक जगह करके उनमें आग लगा दी थी। खैर, अगली सुबह नाश्ते के बाद अचानक एक कैदी जोर जोर से कराहने लगा और जैसे ही गार्ड उसे उठाने आया तो प्लान के मुताबिक उसने गार्ड पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। तभी पिनो, बॉनी और मैनुअल ने बाकी कैदियों के साथ मिलकर पूरी जेल में तबाही मचाकर चारों ओर आग लगा दी। जल्द ही वो सब जेल की छत पर पहुंचे और बाहर से गार्ड्स उन पर रबड़ की गोलियों से वार करने लगे। कैदियों की इस क्रांति में पूरे देश ने उनका साथ दिया और आखिरकार जेल के ऑफिसर्स कैदियों की मांग सुनने के लिए तैयार हो गए। फिर कैदियों की तरफ से मैनुअल और बॉनी ऑफिसर्स से बात करने पहुंचे। जल्द ही जेल ऑफिसर्स ने उनकी बात मानकर मीटिंग की और उनकी सभी शर्तों को मंजूरी दे दी। इसी के साथ कैदियों ने अपना मोर्चा बंद कर दिया, लेकिन अचानक एक कैदी ने देखा कि ये जज असली जज नहीं है बल्कि दूसरी जेल का एक ऑफिसर था। तब उन्हें समझ आया कि मोरिनो ने कैदियों की क्रांति रोकने के लिए उन्हें धोखा दिया था। अचानक गार्ड्स ने सभी कैदियों पर हमला करके उन्हें खूब पीटा। फिर शाम को बॉनी और मैनुअल को एक ऑफिस में बुलाया गया, जहां मोरिनो ने उन्हें कागज पर दस्तखत करने को कहा, जिसके मुताबिक उन दोनों को दूसरी जेल में भेजा जाएगा और 2 साल के अंदर अंदर वो रिहा हो जाएंगे। पर अगर उन्होंने साइन करने से इनकार किया तो जेल में हिंसा करने के जुर्म में उनकी सजा 10 साल और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन मैनुअल ने अपनी आजादी के लिए आंदोलन से धोखा करने से इनकार कर दिया। पर अगली सुबह उसने देखा कि गार्ड्स बॉनी को दूसरी जेल भेज रहे थे। इसका मतलब ये था कि बॉनी ने लालच में आकर मोरिनो की शर्त मान ली। इसके बाद लूसिया एक बार फिर से मैनुअल से मिलने आई। उसने कहा कि उसकी बहन ने मैनुअल पर एक मुसीबत आते ही उसे छोड़ दिया, लेकिन वो जिंदगी भर उसका साथ देगी। ये सुनकर मैनुअल भी बहुत खुश था, लेकिन फिर रात को अचानक कुछ गार्ड्स मैनुअल और पिनो को जबरदस्ती उठाकर ले गए। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें एल एस्पैनर जेल में लाया गया था, जो स्पेन की सबसे खतरनाक जेल थी। वहां जाते ही उन्हें इंजेक्शन दिए गए, जिससे उनका शरीर अंदर से खराब होने लगे। इसके बाद उन दोनों को बुरी तरह पीट कर उन पर कई घिनौने अत्याचार किए गए। जल्द ही उन दोनों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने डॉक्टर को यहाँ के अत्याचारों के बारे में बताकर वापस जाने में मदद मांगी। आखिरकार डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पिनो और मैनुअल को फिर से पुरानी जेल में भेज दिया गया। वहाँ इनका हीरो की तरह स्वागत हुआ और एक बार फिर सबने मिलकर अपने हकों के लिए आवाज उठानी शुरू की। अब ये लोग अपनी अगली योजना बनाने में लग गए कि कैसे इन्हें पूरे देश की नजरों में आकर अपनी मांगों को मनवाना है। कुछ ही दिनों में एक नेता जेल के दौरे पर आया और मैनुअल ने कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में खुलकर उसे बताया। जल्द ही उनकी ये बातें पूरे देश के सामने आई। फिर एक दिन मैनुअल ने रूबी नाम के एक जवान कैदी को गार्ड से बात करते देखा तो उसे रूबी पर शक हो गया। एक रात जब वो माबेला के साथ उसके खास सेल में था तो अचानक रूबी अपने एक साथी के साथ आया और उसने मौका देखते ही माबेला के पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। असल में गार्ड्स ने उसे कहा था कि अगर वो माबेला को मार दे तो वो उसके सेल का सारा सामान ले सकता है, मगर रूबी ने मैनुअल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद खबर सामने आई कि सरकार ने कैदियों की मांगे मानने से इनकार कर दिया था, जिससे सभी कैदियों के हौसले पूरी तरह टूट गए। मैनुअल को भी लगने लगा था कि शायद वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुछ हफ्ते बीते और फिर पिनो ने मैनुअल से कहा कि उसके पास एक और प्लान है। उसने मैनुअल को एक पुरानी लिफ्ट दिखाई जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां से नीचे जाकर पिनो ने कहा कि अगर वो खुदाई करके सुरंग बनाए तो वो नाले से बाहर निकलकर जेल से भाग सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास सिर्फ 3 हफ्तों का समय था क्योंकि 3 हफ्तों बाद जेल की मरम्मत का काम शुरू होने वाला था। फिर उसके बाद वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। पर खुदाई की आवाजों से गार्ड्स को शक हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने बाकी कैदियों को अपने साथ शामिल करने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक कुछ कैदी इस जगह के बाहर फुटबॉल खेलेंगे ताकि किसी को अंदर से आ रही आवाजें सुनाई ही ना दें। इसी तरह काम शुरू हो गया, पर एक दिन इस सुरंग में रूबी और उसका साथी आ पहुंचे। अब उनकी की हुई मेहनत बेकार ना हो जाए, इसीलिए पिनो और मैनुअल ने उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। फिर एक दिन मैनुअल का वकील उससे मिलने आया और कहा कि वो मैनुअल के केस पर फिर से सुनवाई करवाएगा, लेकिन अब मैनुअल का कानून से भरोसा उठ चुका था। इधर खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्हें जेल से भागना था। जाने से पहले पिनो ने मैनुअल को नए कपड़े दिए ताकि बाहर किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद कैदी सुरंग के अलग अलग रास्तों से होते हुए बाहर निकल आए। पिनो और मैनुअल तो बस स्टॉप से बस में बैठ गए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं पिनो और मैनुअल 5 घंटे सफर करके एक नए शहर में पहुंचे और आखिरकार अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अचानक मैनुअल ने देखा कि पिनो ने उसके कपड़ों में काफी सारे पैसे और एक नई आईडी भी छिपा दी थी।
जिससे उसे छुपे रहने में आसानी हो। ये देखकर मैनुअल को बहुत खुशी हुई और आखिरकार वो लूसिया के पास पहुंच गया और उसके साथ एक नई जिंदगी बसाने निकल पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।